जो संवैधानिक संस्थाएं उन संस्थाओं का जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है। छपरा में जहरीले शराबों से जो मौत हुई है उसकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है? जो संवैधानिक संस्थाएं उन संस्थाओं का जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है? अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है? मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को, बिहार की सरकार को सूचना दिया है कि जो छपरा में जहरीले शराबों से जो मौत हुई है उसकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहां से मामला आ गया? जो संवैधानिक संस्थाएं उन संस्थाओं का जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है? मोरवे में पुल में 142 लोग मर गए, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।